ये जो वीडियो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो जो है इस समय काफी वायरल हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है, जो कि आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक मैट्रेस के ऊपर जाने की गद्दों के ऊपर जो है कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे देखकर तो कसम से आप यकीन करें ताली बजाने का मन करता है। क्योंकि जब यही टीम और इनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम लोग भारत को हराएंगे, हम उनको ये करेंगे, पर जिस तरह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उससे ऐसा लगता है कि आप भारत को क्या, पिछले दिनों आप अभी जस्ट रिसेंट वर्ल्ड कप में आप अफगानिस्तान से आ रहे हो, यानी कि जो आपकी प्रैक्टिस है। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो अभी T20 वर्ल्ड कप के दौरान प्रैक्टिस का वीडियो है, मतलब कि कैच ड्रिल वहां पर चल रही है, कैच की प्रैक्टिस वहां पर चल रही है, और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। खाली हम लोग ना अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की अमाम भी यही, तमाम जितनी जनता है वो भी यही अंदाजा लगा सकती है कि ये लोग जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, यकीनन है इनकी परफॉर्मेंस भी T20 वर्ल्ड कप में वैसी ही रहनी थी। क्योंकि सुपर 8 तक अगर बात की जाए तो ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, और अफगानिस्तान जो है बढ़िया खेला, और कहीं ना कहीं इनको सीखने की जरूरत है। अभी तमाम जितने भी ये खिलाड़ी हैं, जिस तरह से ये कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वीडियो लगातार जिस तरह से देख रहे हैं, यार आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सबसे पहले मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि हम खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं, हम खिलाड़ियों की रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी टीम से हो, ना कि भारत की टीम के खिलाड़ी हो, किसी भी टीम के खिलाड़ी हो, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। पर आप लोगों के ऊपर, आपके देश के लोग जो है उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, मुझे नहीं लगता आपके ऊपर उम्मीदें लगाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से आप इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है आप गद्दों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जब ये लोग मैच खेलने के लिए मैदान में जाएंगे तो इनको वहां पर भी मैट्रेस मिलेंगे नीचे बिछाए हुए, कि आप लोगों को लगे ना। अरे यार, कैच देखना है ना तो जाके सूर्य कुमार यादव का कैच एक बार 3-4 बार रिपीट करो उसको। अगर वो जिस तरह से हवा में उड़कर उसने कैच किया है ना, या फिर तमाम जो और खिलाड़ी जो जिस तरह से कैच करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को देखो। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, जब छोटा बच्चा, उसे तैयार करना हो, उसे बढ़िया खिलाड़ी बनाना हो बच्चे को, तो बच्चा क्या होता है कि उसे लगे ना, तभी ये मैट्रेस वगैरह बिछाए जाते हैं, मैट्रेस के ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। पर यहां पर समझ नहीं आ रही है, वीडियो भी शायद इसीलिए वायरल हो रहा है, कई सारे लोगों ने ये वीडियो देखा, शायद इसीलिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, कि जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हो वो लगता है कि आपने प्रैक्टिस यही की होगी। आप मतलब आपकी टीम थी भाई, हम लोग जरूर कहते हैं कि आपकी टीम अच्छी थी, वकार यूनिस, वसीम अकरम, सईद अनवर, आमिर सोहेल जैसे खिलाड़ी अब आपके अंदर, टीमों के अंदर ना ही आ सकते हैं, और यहां तक लग रहा है ना ही आएंगे। क्योंकि जिस तरह से आप लोग ये मजाकिया मतलब क्या कर रहे हैं, आप तो, आपके ऊपर तो लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग ये कैच करने की प्रैक्टिस जो है आप कर रहे हैं, बड़ा देख के यार अजीब लग रहा है यार, गद्दे बिछाए हुए हैं, गद्दा एक बंदा सही करता है, दूसरा बंदा उधर से बॉल फेंकता है, तीसरा ऐसे करके कैच करने की कोशिश करता है। यार इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो तमाम जो छोटी छोटी मैचेस होते हैं, लीग्स होते हैं, हमारे गली मोहल्लों में जो क्रिकेट होती है ना, वो लोग भी शायद मुझे देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को देखकर जो हंसेंगे। क्योंकि ये एक, यहां तक मुझे नॉलेज है, ये एक पहली सीढ़ी होती है, जब आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, आप बच्चे हो तो आपको प्रैक्टिस सिखाई जाती है कि अगर आपको कैच करना है किस तरह से आपको अपनी बॉडी संभालनी है, और किस तरह से आपको बॉडी का पार्ट पहले वो वाला नीचे गिराना है, ताकि जिससे आपको जो है चोट ना लगे, आपको फ्रैक्चर ना हो। पर आप तो इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी आप शुरुआत कर रहे हैं क्रिकेट की, पर इतना नहीं सोच रहे हैं कि आप लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहते हैं जी हम ट्रॉफी लाएंगे, कहां से ट्रॉफी लाएंगे यार, काम तो आप ट्रॉफी खाने वाला कर रहे हो, और लाओगे आप अपने देश के लिए ट्रॉफी, और जिस तरह से आप अफगानिस्तान से आ रहे हो, सुपर 8 में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, कि अगर सुपर 8 में भी क्वालिफाई करते चलो तब भी था, ट्रॉफी कहां दूर की बात, आप सुपर 8 में भी नहीं आ पाए। तो ये वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, और वायरल होने के साथ साथ ये वीडियो एक मैसेज भी दे रहा है, तमाम पाकिस्तान के अवाम को मैसेज दे रहा है, तमाम दुनिया को एक मैसेज दे रहा है कि देखिए पाकिस्तान की टीम जो है वो किस तरह से प्रैक्टिस करती है। और शायद आपके जो विशेषज्ञ बैठे होते हैं ना, जो बड़े बड़े आपके पूर्व खिलाड़ी हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि यार हम लोग मतलब किस तरह के जो खिलाड़ी हैं वो चुनकर जो है आगे भेजते हैं, और क्या क्या ये लोग वहां पर जो है अपने गुर खिलाते हैं, और क्या किस तरह से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि ट्रॉफी लेने की उम्मीदें जो है आप लोग बिल्कुल ना रखें, और कुछ ना कुछ आपको सीखना होगा भारतीय टीम से, या ऑस्ट्रेलिया से, या इंग्लैंड से,
तमाम टीमों से सीखना होगा किस तरह से वो लोग जो हैं अपना प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से वो कैचेस की प्रैक्टिस करते हैं। सूर्य कुमार यादव से ही पूछ लीजिए, उससे सवाल किया, उसने कहा मैंने 150 बार इस तरह से कैच की प्रैक्टिस की होगी। तो अगर सूर्य कुमार यादव ने भी नीचे चार गद्दे बिछाकर जंप करने की प्रैक्टिस की होती ना, फिर ये कैच नहीं होता, ना ही ये T20 वर्ल्ड कप आता। फिलहाल आप लोग इस, आपकी राय भी बड़ी जरूरी है, और राय में आप लोग इतनी बात जरूर बताना कि यार ये मैट्रेस किस कंपनी का है, ये जो गद्दा नीचे बिछाए हुए हैं ना लोगों ने, ये किस कंपनी के गद्दे जो है वो बिछाए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें।